बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का ऐलान किया है। 24 राज्यों के बीजेपी ने प्रभारी के नामों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बने हैं सतीश पुनिया, हिमाचल बीजेपी के श्रीकांत शर्मा प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड से बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी बनाया है, वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी बने हैं विनोद तावड़े। आनंद पांडे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, वो महत्वपूर्ण नाम जो इन प्रभारियों की लिस्ट में है और वो ऐसे नाम जो अब एक नए किरदार में, नई भूमिका में बीजेपी के नजर आएंगे, डिटेल में बताइए उनके बारे में। जी देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने अपने जो राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों हैं उनके नामों का ऐलान किया है। और चुनावों के बाद कई दौर की बैठकें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, उसके बाद इन नामों को तय किया गया है। लेकिन अगर सूची को देखें तो ये बात पता चलती है कि बीजेपी ने जो पहले प्रभारी थे ज्यादातर उन्हीं पर ही भरोसा जताया। को अगर कुछ एक नाम छोड़ दें हम, जैसे हरियाणा में सतीश पुनिया हो, अनिल एंटनी हो, इन लोगों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो कि पहले से प्रभारी थे, बीजेपी ने उन पर फिर से एक बार भरोसा जताया है। लेकिन खास बात यह है कि यूपी हो या फिर अगर हम उड़ीसा की बात, पश्चिम बंगाल की बात करें या राजस्थान की बात करें, ऐसे राज्य जहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, वहाँ के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने अभी नहीं की है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी पीढ़ी के नेताओं को ही ज़्यादातर जिम्मेदारी दी है इस लिस्ट में, और उसमें ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो कि MLA भी हैं या फिर MLC हैं, यानी कि बीजेपी आगे की लीडरशिप को तैयार कर रही है, उनको जिम्मेदारी दे रही है, उनके एक्सपोजर दे रही है ताकि बीजेपी का संगठन और मजबूत हो सके। और एक मैसेज और जा रहा है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल लगभग खत्म होने को आ गया, तो ऐसे में एक चर्चा थी क्या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी आगे जो बढ़ेगी वो जेपी नड्डा के साथ ही। बीजेपी एक बार फिर से चुनावों से पहले अपने तेजी में जो कार्यक्रम के लिए वो जानी जाती है उस तेजी में नजर आ रही है। इसी दौरान प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें जानकारी ये भी है कि संबित पात्रा को बड़ा पद दिया गया है। शुक्रिया आनंद आपका। आगे बढ़ते हुए NEET UG परीक्षा की बात कर लेते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। लीक के सबूत तक परीक्षा रद्द करना सही नहीं है, ये बात कही गई है। परीक्षा रद्द लाखों होना छात्रों से धोखा होगा। NEET UG के परिणाम घोषित हो चुके हैं, अभी पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं है, सरकार की ओर से यह हलफनामा दिया। NEET UG परीक्षा लीक मामले में CBI लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि वो इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती। सरकार ने हलफनामा दायर कर कोर्ट से कहा है कि जब तक ये सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ है, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा। हलफनामे में कहा गया है कि NEET UG के परिणाम घोषित हो चुके हैं, ऐसे में परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने दाखिल हलफनामे में ये भी कहा है कि सरकार और उसके निकाय सभी प्रतियोगी परीक्षाएं सही और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परीक्षाओं के मद्देनजर प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच के बारे में भी बताया। सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। CBI ने कई राज्यों में पेपर लीक मामले पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है।